हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। पूरी दुनिया में लाखों लाखों की भीड़ जिनको सुनने के लिए टिकी रहती है, टिकट लग के जिनके प्रोग्राम जिनके शो होते हैं, ऐसे लाफ्टर चैंपियन भाई सुरेश अलवेला हमारे बीच में आज आए हैं। दोनों हाथ उठाकर पूरा सदन खड़े होकर भाई सुरेश अलवेला का अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश भाई, बहुत बहुत भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टर्स ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। देखो आप ये मोबाइल अपने रख दो, ये सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अभी का आनंद लो। अब आप आज का आनंद तो छोड़ के, ये अलवेला भाई आपको क्या लग रहा है, ये आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, चैटिंग भी हो सकती है। आओ गलती से इतनी ऊपर लेके चैटिंग कौन करता है यार। हैं, काई का जमाना दिखाने का, क्या बात, इतनी ऊपर करके क्या दिखाएगी। तुम भी डॉक्टर हो तो जो बनने की कोशिश करता है वो भी डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर थोड़ी बनेगा। बस बढ़िया, आप बहुत अच्छा शूट कर रहे हो, लेकिन ये जो तुम फोटो वोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब ये लड़के तो कम करते हैं उसका यूज, लड़कियां ज्यादा करती हैं। अब लड़कियों को फोटो खींचनी हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। ये जो भाइयों दहलीज पे मत खड़े रहो, हिरण्यकश्यप भी वहीं खड़ा हुआ था। आनंद के साथ सुनो, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दो लड़की आपस में बात कर रही हो, मेरे से मेरी सुनो, मैं आपको काम की बात बताऊंगा, ऐसी भी बताऊंगा जिससे डॉक्टर भी बन सकते हैं। भगवान कसम मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इसमें हंसने की क्या बात है। मैं हुई अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को, आओ मनोज जी, हाँ इसको लगा दो, नहीं इसका एक फायदा है ना, कम से कम बाहर वाले आए नहीं आए, अंदर वाले तो नहीं जा सकते। बैठो, अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है, मैंने कहा यस, बोला कितनी, मैंने कहा बस, बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उधर क्या देख रहा है, अभी नहीं खड़ी उधर देख रहा है, बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो उधर लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर, लड़की आ गई बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्ठा डेढ़ शाणा, बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब सर ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी।
वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं कह तो रहा हूँ वो कह रहा इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं, सही में नहीं, हंसने की बात थोड़ी है। जितना आपके अंदर टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। आपको पता है अभी हमने चांद पे तिरंगा लहरा दिया, इसके पहले भी अपन ने ट्राई किया था चांद पे जाने का तो 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है, जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है, जो तीसरा है वो एमए है जो कोई भी कर लेता है वो भी बेरोजगार है, और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ये ताली बजाने की बात नहीं थी, बात यह है कि मैं 5वीं पास हूं पर उन एमबीए एमए वालों का खर्चा भी मैं ही उठा रहा हूं। अच्छा क्या ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता? अब डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हो, ये प्रिंसिपल साहब है, ये दोनों है ये भी पढ़े लिखे हैं, वो योगिता जी गई, अब बैंक में मैनेजर है तो पढ़ी लिखी होगी ना, मैं बिना पढ़ी लिखी को तो कौन बनाए, पैसे इसके पैसे उसके खाते में डाल दे तो। लेकिन पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया, सुन तो ये 5वीं पास को ही रहे, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूं, मैंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जिनको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है, भगवंत मान भी था उसमें, क्या बात है, वाह, सही बात नहीं है, वो दूसरे सीजन में था। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, अरे ट्राई तो करो, और ट्राई किया तो पहुंच गए चांद पे, कोशिश करनी पड़ती है तब चांद पे पहुंचते हैं। और हम ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, आप कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। वाह वाह भाई जिंदाबाद सुरेश भाई, वाह जिंदाबाद अलबेला। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं, अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की संपत्ति हो, अमीर वो भी नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो, जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले समझ जाओ वही घर किसी अमीर का है। वरना वाह क्या कि प्यार में हदें पार कर रही है, प्यार में अच्छा तो अब आएगा कि प्यार वो अच्छा तो उधर से आया, वहीं से आया जहां से मैं आया था, कि प्यार में हदें पार कर रही है और आजकल की लड़कियां तो डायरेक्ट सरहदें पार कर रही है, क्या सटायर है वाह, और पुरुष तो लुगाई के डर से मोल्ला भी पार नहीं कर पा रहा। एक वो सचिन था जो शॉट मारता था तो बोल सीमा पार चली जाती थी, वाह
और एक ये सचिन है जो सीमा पार से सीमा को ही उठा के लिया है। अरे समझ में ही नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान की सीमा इंडिया में आ गई और वो इंडिया की अंजू इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के नसरुल्ला के पास चली गई। इधर के देश की एक दो श्रीलंका की भी आई, इधर के देश की लड़की भक्के उस देश में जा रही, उस देश की लड़की भक्के उस देश में जा रही, इधर की उधर जा रही, उधर की उधर जा रही, एक एक लड़की साथ साथ बॉयफ्रेंड रख रही है। और फिर ये कहती है प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं होता, तुम खुद ही अंधा धुंध प्यार कर रही हो, इसमें हम क्या करें। क्या बात है अलबेला भाई, इस देश में कुछ हो ना हो, सबसे पहले अगर कुछ होना चाहिए भाई साहब तो इस देश में जनसंख्या बिल पास होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो सीमा पाकिस्तान से आई तो चार साथ में लेके आई और वो अंजू इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गई तो खुद के दोनों तो यही छोड़ गई, ये तो यही हो गए। भाई क्या बात, बात क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। वाह, इतनी पॉलिटिकल मैं कोई, देखो आपको बताऊं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं और मैं किसी का भी आदमी नहीं हूं। मैं तो क्या है भाई साहब, कोरोना काल चल रहा था डॉक्टर साहब, तो मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना के लाई, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कैसा खाना बना के लाई है तू, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। मैंने कैसा बेकार खाना बना दिया, इसमें तो बिल्कुल ही स्वाद ही नहीं आ रहा। तो उसने कोरोना की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, बोली मेरे हस्बैंड का स्वाद चला गया। तो आगे दो चार मेरे को उठा के ले गए 14 डेज के लिए क्वारंटाइन। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, बोला तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी वाइफ से। चलो अंदर। और मैंने कहा मेरी साड़ी से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, साढ़े सारे खानदान को क्वारंटाइन कराया मैंने।